अखाड़ा परिषद से रविंद्र पुरी जी मौजूद हैं, जिन्हें अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष घोषित किया गया है। खुद बातचीत करने के लिए इस वक्त वो एबीपी गंगा पर मौजूद हैं। रविंद्र पुरी जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद, धन्यवाद जी। रविंद्र पुरी जी, सबसे पहले तो आपसे मेरा यही सवाल होगा कि क्या मैं आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर आपको अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कह सकती हूँ? क्यों नहीं, क्योंकि इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि प्रक्रिया को आप लोगों ने ध्यान में नहीं रखा है। 7 अखाड़ों की सहमति है, बाकी अखाड़ों की सहमति नहीं ली गई, इसलिए मैंने आपसे ये पहला सवाल किया था। जी जी, अखाड़ा परिषद में 13 सदस्य हैं जी, और बहुमत के आधार पर ही पहले भी निर्णय हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी के निर्देश अनुसार अखाड़ा परिषद का विधिवत चुनाव हुआ है और सर्वसम्मति से अखाड़ा परिषद, क्योंकि चारों संप्रदाय का है, किसी एक व्यक्ति का, एक संप्रदाय का नहीं है, इसमें वैष्णव, उदासीन, निर्मल, सन्यासी, तो हम लोग चारों समुदाय का, जो हमारे यहाँ संतों का एक समूह है, उस सभी अखाड़ों का प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है जी। लेकिन रविंद्र पुरी जी, महाराज जो जी हरिगिरि जी हैं, वो तो इसको लेकर काफी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने संवैधानिक तौर पर प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, तो उस स्थिति को भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर सब कुछ आप लोग प्रक्रिया के हिसाब से कर रहे हैं, तो फिर ये विवाद क्यों है, दो फाड़ की स्थिति क्यों है? कोई विवाद नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, उनका वक्तव्य वो जो चाहे दे सकते हैं, मुझे उनके किसी वक्तव्य पे कोई कमेंट नहीं करना है जी। और 25 तारीख को प्रयागराज में मीटिंग भी बुलाई गई है, तो क्या आप वहां पर जाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, उसका औचित्य खत्म हो गया है। जब उपाध्यक्ष की अध्यक्षता मीटिंग बुलाई, जब वो स्वयं ने नहीं जाएंगे वहां, तो फिर कोई औचित्य नहीं है जी। लेकिन रविंद्र पुरी जी, मैं ये स्थिति भी आपसे समझना चाहूंगी कि जब 25 तारीख की मीटिंग में मालूम पड़ जाएगा किसके साथ। लेकिन जब 25 तारीख को मीटिंग बुलाई गई थी, बैठक थी प्रयागराज में, फिर उससे पहले नई कार्यकारिणी की घोषणा कर देना, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? हम लोगों को इसकी कोई सूचना नहीं थी। नहीं, इसकी कोई सूचना सबको नहीं थी जी। लेकिन अगर 7 अखाड़े सहमत हैं, बाकी के अखाड़े सहमत नहीं हैं, तो क्या फिर भी नई कार्यकारिणी चलेगी या फिर से चुनाव होगा? उनको साथ में लाने का प्रयास कर, हम सबको मिलाने का प्रयास करेंगे। वो भी हमारे भाई हैं और पहले भी ऐसा बहुमत से चुनाव महेंद्र नरेंद्र जी का भी हुआ था, ज्ञानदास जी का भी हुआ था। हम लोग आपस में विचारों को मतभेद है, कोई किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं है, सब लोग मिल जाएंगे, मेरा ये प्रयास रहेगा जी। लेकिन हरिगिरि जी के विवाद के बाद ये स्थिति तो समझ आ रही है कि विवाद होना लाजमी है, विवाद होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि पहले से सहमति नहीं बनाई गई, ना पूछा गया, बहुत ही जल्दबाजी में ये फैसला हुआ है, तो ऐसे में मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अगर आगे विवाद होता है तो कैसे इसका समाधान निकलेगा, क्या वो प्रक्रिया होगी संतों के हिसाब से? लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है और बहुमत के आधार पर, लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व है, बहुमत के आधार पर जो निर्णय होता है उसको सबको मानना चाहिए, लोकतंत्र की एक हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना है, इसी प्रकार से सभी संस्थाएं चलती हैं जी। रविंद्र पुरी जी, ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि अगर आपने लोकतंत्र की बात की, संवैधानिक प्रक्रिया की बात की, तो सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हर अखाड़े से दो दो संतों की सहमति जरूरी है, ऐसे में अभी 7 अखाड़ों की तरफ से ही आपको सहमति मिली है, तो इसको जरा आप क्लियर कीजिएगा कि कैसे ये संवैधानिक रूप से सही है? प्रत्येक अखाड़े से दो प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए 26 प्रतिनिधि होते हैं टोटल जी। तो उन 26 का समर्थन आपको है? 14 का समर्थन हमारे साथ है। उन 26 का समर्थन आपके साथ है? 14 का समर्थन है जी। 26 में से 14 का समर्थन हमारे साथ है जी। लेकिन आगे की स्थिति अगर खराब होती है, फिर से एक बार मैं आपसे सवाल करूंगी कि अगर विवाद होता है तो आगे की स्थिति को जी कैसे समाधान निकलेगा, क्या प्रक्रिया होती है, दर्शकों को जरा बताइए। कोई विवाद नहीं होगा, हम बैठ करके उसका हल करेंगे। अगर हल निकल जाता आप, तो फिर आपका जो प्रश्न है, ये जो विवाद हम देख रहे हैं, बैठ करके समाधान करेंगे जी। अगर समाधान निकल जाता तो फिर हरिगिरि महाराज जी को इस तरीके से नाराजगी अपनी व्यक्त नहीं करनी पड़ती,
इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। निकल जाएगा, निकल जाएगा जी, निकल जाएगा, समाधान निकल जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए।